बिछुरी वेस्ट पे गिरेश प्लाजा के सामने यह नाके पर जो है हमारे साथ बहुत वरिष्ठ एक जिम्मेदार शख्स मौजूद है हमारे साथ में महमूद खान साहब जो इस इलाके के बहुत ही वरिष्ठ नागरिक है। उन्होंने पूरे सुरमन चेन को देखा है और पूरे मामले में रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज की चेन जो है हम भारत के लोग कहाँ तक ह्यूमन चेन जो है ओशूरा नाके से लेके अम्बोली के आगे तक गई थी। ये सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था एहतजाज और काफ़ी लोगों ने जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के सब सर्वधर्म संभव के लोग इसमें शरीक हुए और बहुत ही कामयाब ये आज का एहतजाज रहा। और इसमें जो ह्यूमन चेन बनी थी और ख़ास तौर से इसमें औरतों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्से लिया और तमाम लोगों ने इसको कामयाब बनाने के लिए अंतर कोशिश की। ये कामयाब रहा, ये सब लोगों की चाहत है। मोदी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ी फटकार है। ये जोगेश्वरी के अंदर का बहुत बड़ा पहला कामयाब यह एहतजाज कामयाब हुआ है। इसके लिए हम जोगेश्वरी की तमाम अवाम को मुबारकबाद देते हैं। ये हमारा एक एहतजाज बहुत कामयाब रहेगा और ये आवाज़ दिल्ली तक हमारी पहुँचेगी और दिल्ली तक हम ये बताएंगे जोगेश्वरी वाले हमारे ये एहतजाज जब तक के एनआरसी जब तक हटता नहीं है तब तक ये एहतजाज कायम रहेगा। चाहे मोदी कुछ भी कहे, चाहे अमित शाह ये ना बोले ये भी बोले कि हम एक इंच भी नहीं पीछे हट रही हूँ, उनको हमेशा के पीछे हटना पड़ेगा। ये हमारे लोगों की मांग है और हमारे लोगों का ये मेहनत जो है रंग लाएगी और जरूर इसमें हम लोग कामयाब होंगे। हम एक आप हमारे साथ में मौजूद है। हमें ये बताइए पूरे देश में आज भारत बंद का भारत के लोग भारत के लोग जो है अगर आपसे जो है शहरी का सबूत मांगा जाता है कागज़ मांगा जाता है आपके कागज़ दिखाएंगे आप लोग? हम कागज़ भी दिखाएंगे, हम अपने आप को भी पेश करेंगे क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा सब यहीं के ये पैदाइशवार है, हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं। इससे ज़्यादा सबूत हम उनको क्या दे सकते हैं। हर हमेशा 26 जनवरी 15 अगस्त में जब हम झंडा वंदन करते हैं तो हम झंडे को सलामी देते हैं, ये कम है क्या हमारे लिए? हम तो गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तानी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे बीच जो ये लोग आए ये हमारे बीच से जल्दी से दफा होके चले जाए। हम नागरिक के हम हमारा नागरिक का पता क्यों देंगे? हम खुद यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये हमारा सबसे असली पता है। आप लोग के बाप दादा का सबूत मांगा जा रहा है जी। मेरे बाप दादा ने कब्रिस्तान दिए जोगेश्वरी में, गवर्नमेंट का कब्रिस्तान भी नहीं था। मेरे बाप दादा ने खरीद की जगह दी। हम यहाँ के नागरिक है, हम शाहीन बाग बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कश्मीरी साहब है। कश्मीरी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस काले कानून को जब तक के सरकार मतलब हुकूमत हटाती नहीं है, हम सारे हिंदुस्तानी जो कि हम संविधान में बिलीव करते हैं इसकी रक्षा इसकी सुरक्षा के लिए और हक के लिए हमारी हक की लड़ाई होगी। हम मतलब भले इसमें कितने भी दिन लग जाए, महीने लग जाए, साल लग जाए, हम इसमें सड़कों पे एहतियात करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि उस हुकूमत या नहीं तो इस हुकूमत का पलटा पलट देंगे हम लोग। सही है सही जी बोलिए। आप लोग कागज दिखाएंगे आपके घरों पर आएंगे कागज मांगने? नहीं दिखाएंगे। लोग यहाँ पर इकट्ठा है वो ये सब कह रहे हैं कि कागज हम नहीं दिखाएंगे, उनके बाप का राज नहीं है इस मुल्क पर। ये जो है हिंदुस्तान जो है सबका, ये भारत सबका है और किसी को ये हक नहीं बनता कि वो हमारी शहरियत का सबूत हमसे मांगे। कागज तो नहीं हिंदुस्तान का झंडा दिखाएंगे। हथेली में चांद दिखा रही है, डेमोक्रेसी है। हथेली में चांद दिखाते चाय 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 वाला चाय चाय वाला चाय चाय वाला
चाय वाला चाय, चाय ले लो चाय। जुडिशरी वेस्ट में अल्लाह अली मस्जिद के सामने यहाँ पर एसटी रोड पर एक किलो दूर जो है लंबी ह्यूमन चेन बनी हुई है महिलाओं की, खवातीन की, मर्दों की। आइए हम बात करते हैं कुछ भारत की महिलाओं से, नारी शक्ति है, भारत की ताकत है, महिलाओं की ताकत बहुत बड़ी है। उन्होंने दिखा दिया क्या एनआरसी और सीए के खिलाफ है। हमारी कुछ बहनें आइए उनसे बात करते हैं, आप लोग क्या कहना है? हम हमारे देश के अंदर ये सब चीज़ सियासतदानों के लिए जो मजहबादों को एक साथ रहने नहीं देते हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। इससे अच्छा दौर तो आज़ादी के पहले का था, जहाँ पे जो हिंदू शहीद हुआ वो हिंदू बन के शहीद नहीं हुआ, जो मुसलमान शहीद हुआ मुसलमान बन के शहीद नहीं हुआ। आज ये हमें सिखा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और आप हिंदू हैं, और हमें इसमें डिवाइड कर रहे हैं। जो रूल ब्रिटिश ने किया वो ये खुद करके बता रही है। आप मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? यही देश को तोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब एक है। अगर बैंक में ब्लड लेने जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं पूछता कि ये हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है। जो भी खून मिलता है लेके इंसान को दे देते। और मोदी जी जोड़ते नहीं तोड़ते हो तुम। देश के संविधान को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम साथ है, कोई जुड़ा हुआ है, सब जुड़े हुए। हम लोग तो हर बिरादरी को साथ में लेके खड़े हैं और लेके चलते हैं। और हमारी मांग क्या है कि जो लफड़े निकाले हैं वो लफड़े खत्म कर दो और जो अच्छे कानून है हमारा काम बना दो। आपसे कागज मांगा जाएगा कि सबूत दो अपनी शरीर का, आप लोग बताएंगे वो कागज? नहीं, पहले मोदी जी उनका सबूत दे हुए आप कागज दिखाएंगे आप लोग? काला कानून नहीं चाहिए आपको? काला कानून नहीं चाहिए, काला कानून नहीं चाहिए। एनआरसी फेल करो, एनआरसी फेल करो। हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए, हमारे को हक दिला दो। देश को संविधान को बचाने के लिए सड़क पर उतर चुकी है मोदी सरकार। इस बात को जान ले कि ये महिलाएं आपसे डरती नहीं है, आपकी सरकार से डरती नहीं है। हमारी मस्जिद को भी मंदिर बनाए, हम कुछ बोले? हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा को भी हक चाहिए, हमारा हक दिला दो। एनआरसी और सीएए को कैंसिल करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि ये कानून हमारे खिलाफ है, नहीं तो हमें भी उसमें शामिल किया जाए। हम मानेंगे पर जाएंगे नहीं देश के अंदर से, यही मानेंगे नहीं आजादी। आपको अगर आप घर पर आप कर आएंगे कि बस कागज दिखाओ, आपके सबूत को नहीं साइन पटेल से कहूंगा कि सब जितनी महिलाएं हैं इनको दिखाए, कैमरा ऊंचा करके सारी महिलाओं को। आप क्या बोलना चाहिए? आप डरती नहीं है, आपका मुकाबला करने जानती है। मोदी और शाह ये समझ गए अच्छी तरह से कि आपके इस काले कानून को हम नाफिज नहीं होने देंगे देश में, और संविधान हमारी एक और बहन जो हमारे साथ में है, आइए हम उनसे जानते हैं कि इस पूरे कानून के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ और मोदी फासिस्ट ताकत के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? 6 किलोमीटर लॉन्ग चेन बनाई हम लोगों ने, ये तो हमारा एस्टिमेट है, वरना बहुत बड़ी चेन बनी। हजारों लोग थे इस टाइम पे, सुबह सुबह 9 बजे लोग आके खड़े रह गए, अभी 12 बजे तक हम खड़े हैं लोगों को जान बताने के लिए। एक नारा नहीं किया हमने, बस हम खड़े थे सबको बताने के लिए कि हमारा दिल में दर्द है, हमें बुरा लग रहा है, ये हमारा भारत है, हमारे साथ जो हो रहा है नाइंसाफी है, और हम ये जुल्म नहीं सहन करेंगे, हम इसके विरोध में बात करेंगे। हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, और हम बार बार जब तक कि ये गवर्नमेंट झुकेगी नहीं हम रुकेंगे। तिरंगा हमारे दिल में है,
कॉन्स्टिट्यूशन के हम रखवाले बनेंगे, अगर आप तोड़ोगे तो हम खड़े हैं उसको बचाने के लिए। हम उसको टूटने नहीं देंगे, उसके शब्दों को बदलने नहीं देंगे, किसी के साथ भी जुल्म होने नहीं देंगे, कोई गरीब के साथ नहीं, कोई दूसरे धर्म के साथ नहीं, और ना ही कोई हमारे मुसलमान भाई के साथ। देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? हम बोल रहे हैं, हम खड़े हैं, हम सब एक औरत हैं, हम मुसलमान हैं, तू सब एक है, और ये नहीं चलेगा। ये गाली तो कर रहे हैं ना, सब ये गलत कर रहा है। शुक्रिया, आमने सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।